guys, what's up? Welcome to Ayurveda and thank you so much for clicking in. And the ones who are new here, welcome. And consider subscribing. You almost sabne mujhe is topic pe particularly baat karne ke liye bola hai, which is dandruff. I can understand. Dandruff is a very, very major problem. And especially if winters aa gaye hain, to dryness to hogi, jiski wajah se dryness hogi, jiske wajah se dandruff hoga. So, we'll just see ki dandruff pehle hota kyun hai. So, there can be zillions of reasons ki jiski wajah se dandruff ho sakta hai. So, number one reason is dryness, of course. कि आपके आपका जो लाइक जो आपकी बॉडी है वो बहुत ड्राई रहती है, आपका जो स्कैल्प है वो बहुत ड्राई रहता है, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ होता है. ओके, देन नेक्स्ट रीज़न इज कोई इन्फेक्शन है आपको. अगर आपके स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन है, सो प्लीज़ प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर. आई मीन, या यू कैन यूज़ द थिंग्स लाइक होम रेमिडीज, जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी भी. सो स्टे ट्यून्ड. आपको वो यूज़ करने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, सो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज फ्यूचर में इट कैन लीड टू हेयर लॉस एंड बॉडनेस ऑल्सो. सो आप वो प्लीज़ देखना कि आपको एक्चुअल में रीज़न क्या है कि आपको डैंड्रफ इतना ज़्यादा हो रहा है. सो या दीज कैन बी द रीज़न्स जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ हो रहा है. सो लेट्स सी वट वी कैन डू अबाउट इट. सो नंबर वन थिंग इज़ रेगुलरली ऑयलिंग योर हेयर. सो यू नो विंटर्स हैं, वैसे भी नॉर्मली भी लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है. सो अगर हमारी स्कैल्प ड्राई रहेगी तो डैंड्रफ तो ऑब्वियसली होगा. सो कीप इट मॉइस्चराइज जितना हो सकता है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ रेगुलरली ऑयल योर हेयर. सो यू कैन यूज़ कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो. तो आई हैव दिस कोकोनट पैराशूट ऑयल एंड आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस मामा अर्थ अनियन हेयर ऑयल. सो अनियन इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेयर, एज वो आपकी ग्रोथ हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ करता है. कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, यू नो दैट. सो दीज आर द ऑयल्स यू कैन यूज़. ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है, मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा होता है. बहुत सारे ऑयल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. सो वट यू कैन डू इज़ हफ्ते में, आई वॉज ट्राइंग टू कीप इट देयर बट ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो वट यू कैन डू इज़ कि हफ्ते में दो बार एटलीस्ट, कोई भी दो दिन आपको ऑयलिंग करनी है बालों की एंड कीप इट फॉर अ नाइट मे बी. और अगर आपके पास टाइम नहीं है सो देर इज़ नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट टू आवर्स तो आपको रखना ही पड़ेगा. सो किसी भी दिन दो घंटे बालों पे तेल लगा के जस्ट वॉश देम. अगर तो आपके बालों में डैंड्रफ इसके लिए इस वजह से है कि आपको आपके स्कैल्प पे ड्राइनेस है, सो इट विल रिड्यूस विद टाइम. अगर मेनली ड्राइनेस की वजह से है तो, बिकॉज अगर आप लाइक रेगुलरली नरिश करोगे बालों को तो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस. सो दिस इज़ वन थिंग. नंबर टू इज़ लेमन. दिस लेमन इज़ वेरी वेरी गुड फॉर स्किन एंड फॉर योर स्कैल्प बिकॉज इट कंटेन्स विटामिन सी इन इट. सो इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो आपके सर में इन्फ्लेमेशन है या कुछ और चीज़ें हैं, एलर्जीज़ है, डैंड्रफ है, वो आपको जो आपके स्कैल्प पे रिड्यूस कर देगा और धीरे धीरे ख़त्म कर देगा. सो अगर लाइक आप कभी कभी आपको डैंड्रफ होता है तो यू कैन सी द लाइक इफेक्ट इन फर्स्ट वॉश ओनली. सो वट यू कैन डू इज़ इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है. अगर आपकी स्किन पहले आप कहीं पे इसको पैच टेस्ट करके देख लीजिए, कहीं यहाँ पे कहीं पे भी थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लीजिए. अगर आपको उससे जलन हो रही है, कुछ और हो रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली पानी के साथ थोड़ा सा डाइल्यूट करके भी लगा सकते हैं. बट अगर आपको वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो फिर वो आप डायरेक्टली अपने सर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं. और आपको ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, इसको हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स रखना है एंड देन वॉश योर हेयर रेगुलरली, जैसे आप वॉश करते हो विद शैम्पू एंड योर कंडीशनर. Next thing I am going to tell you is a hair pack. So look, one thing is very very important ki agar aapko lagta hai ki first wash mein hi sab kuch theek ho jayega, kuch cases mein it happens but aisa nahi hai ki sabke sath wo cheez ho. So agar aapke first wash mein theek ho raha hai then it's very very good, but aapke agar first wash mein nahi ho raha hai to take some time, like ek do hafte do, it will definitely reduce the dandruff on your hair.
फर्स्ट इज़ कर्ड, अगर आपके पास लस्सी है तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट इफ़ यू डोंट हैव यू कैन यूज़ कर्ड ऑल्सो. नेक्स्ट इज़ हनी, हनी विल मॉइस्चराइज योर हेयर एंड योर स्कैल्प. नेक्स्ट इज़ कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल एज यू ऑल नो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. नाउ जस्ट मिक्स इट एंड या दैट्स इट. एंड सॉरी फॉर द एक्टिंग, आई जस्ट डू नाउ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो ये मिक्सचर है, पुट इट ऑन योर स्कैल्प वेरी नाइसली एंड ऑन योर हेयर, लाइक एंड्स ऑफ योर हेयर ऑल्सो, एंड कीप इट फॉर एटलीस्ट 2 hours. या okay guys, that's it for the video. Thank you so much for watching. If you like the video, give it a thumbs up, subscribe to my channel, share the video and hit the bell icon so that you get notified whenever I upload a video.